हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, तो आज हम सोच रहे हैं कि हिंदी कैसे भाई। तो हिंदी इसलिए क्योंकि आज से हमारी एक पूरी की पूरी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम पूरा का पूरा GSEP के कंप्यूटर स्टडीज का एक एक चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सीरीज मैंने इसलिए प्लान की है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को कई बार कंप्यूटर में बहुत अच्छी खासी दिक्कत रहती है। ठीक है, तो वो डरते हैं इस सब्जेक्ट से। डरना नहीं है, काफी अच्छा सब्जेक्ट है ये अगर आपको उतर जाए दिमाग में। तो इसीलिए हम आज यहाँ पर आपके सामने आए हैं। तो ये सीरीज में हर चैप्टर के दो वीडियोज होंगे, जिसमें हम एक में टेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे और दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा फ्लो कुछ इस प्रकार होगा, पहले हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेंगे, मतलब एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाएंगे कि भैया इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे यहाँ पर पावर पॉइंट से। ठीक है, पावर पॉइंट इसीलिए जाना सा है। और फिर प्रैक्टिकल या फिर एग्जाम्पल जो भी हमें दिया गया है टेक्स्ट बुक में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, मैंने मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर टेक्स्ट बुक का कवर किया है। आपको आप टेक्स्ट बुक करके देखोगे एकदम सेम टू सेम लिखा हुआ दिखेगा, एक्सेप्ट मैंने यहाँ पर कट शॉर्ट करके लिखा है क्योंकि हमें जो मेन पॉइंट है जिसमें यहाँ पर हमारी जो थियोरी है उसको हमें फोकस करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने बीच की जो भी कहानियां हैं जो भी चीजें हैं वो हमने निकाल दी है यहाँ पर। आपको एकदम कंसाइज फॉर्म में पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर भी मैं एक बार रेकमेंड करूंगा कि भैया एक बार तो टेक्स्ट बुक कम से कम हाथ तो लगा लेना है ना। और कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, कहीं पर भी फंसे हो तो कमेंट में जरूर बता सकते हो, हम इसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो, काफी सारे वीडियो आपने वैसे भी देखे होंगे, ठीक है, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है आपको। जो भी आप लाइक व्हाट एवर यू फील राइट, व्हाट एवर यू फील गुड टू डू, प्लीज डू दैट, है ना। तो वेलकम है आप सबका हमारे अपनी चैनल डीज कोडिंग पर, है ना। तो बाकी शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते कौन से टॉपिक हमें पढ़ने। टॉपिक में एक रहेगा फॉर्म से इंट्रोडक्शन, फिर फॉर्म का एलिमेंट, जो चार एलिमेंट रहते हैं फॉर्म के, फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट, एरिया, सिलेक्ट ऑप्शन, ये चार एलिमेंट्स रहते हैं। तो ये है हमारे एलिमेंट्स, ये यहां तक हम लोग पूरा का पूरा टाइप करके करेंगे जितना भी पार्ट है। इसके बाद आता है कंपोजर। अब कंपोजर क्या है, तो एक आईडीई है। आईडीई मतलब क्या, तो कि इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप एनवायरमेंट जिससे आप यूज करके दूसरी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप दूसरी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ये होता है एक आईडीई। तो इंट्रोडक्शन हम लोग पूरा कंपोजर का करेंगे। उसमें पहले एलिमेंट्स देखेंगे कंपोजर विंडो के, ये फिर उसके बाद न्यू और ओपन फाइल। अब भैया देखो, किसी ने भी अगर कंप्यूटर यूज किया है ना तो ये दोनों चीज तो उसको पक्का आनी है, क्योंकि भैया ये एकदम बेसिक सी चीज है कि कैसे नई फाइल बनानी है और कैसे फाइल को ओपन करना है, सीधी सी बात है। फिर एक फॉर्म बनाएंगे कंपोजर में, उसके हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे। एक हम लोग जो टेक्स्ट पार्ट से कवर करेंगे उसमें इन लोगों ने नेम एंड ईमेल को डेटा इनपुट के लिए यूज किया है। ठीक है, और दूसरा फॉर्म है जो इन लोगों ने पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग दो तरह से बनाएंगे, एक HTML से, दूसरा ये कंपोजर से। तो ये दोनों तरीके से हम लोग ये पूरा का पूरा फॉर्म का डिजाइनिंग तैयार करेंगे। फिर इस फॉर्म को डिफरेंट मोड में देखेंगे, जैसे कि प्रीव्यू रहेगा, नॉर्मल रहेगा और HTML टैग रहेगा। ये तीन प्रकार के मोड रहते हैं इसमें। ठीक है, फॉर्म को सेव करेंगे, सीधी सी बात है जो बना है उसको सेव तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो देख नहीं पाओगे, है ना, उसके बिना यूज नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम लोग एक पूरा पूरा डेमो फॉर्म बनाएंगे जिसमें ये सारे जो पार्ट्स मैंने अभी अभी बोले वो सारे हम लोग जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये लोग बता रहे हैं ये हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। एट द एंड ऑफ द पूरा फॉर्म एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे वेब पेज को। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर का फ्लो रहेगा। अब हमारा फ्लो कैसा रहेगा, पहले हम लोग थियरी पार्ट यहाँ से कवर करते हैं, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म के बारे में। देखो भैया, ये जो चैप्टर है ना वो एक फ्रंट एंड डिसाइड करता है। फ्रंट एंड मतलब वेबसाइट की शक्ल, क्या हमें यूजर को दिखाना है, वो अभी हम लोग ये चैप्टर में सीखेंगे। दूसरा रहता है वेबसाइट की अकल, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट से या फिर PHP, बहुत सारी अलग 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 लैंग्वेजेस रहती है उससे हम लोग उसकी अकल बनाएंगे। ठीक है, जो हमें यूजर को नहीं दिखाना है, हमें ये पूरा का पूरा बैकएंड मतलब वेबसाइट के पीछे हमें पूरा प्रोसेसिंग लगाना है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर कंसेंट्रेट वापस आते हैं। इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज अ फॉर्म, फॉर्म क्या होता है। तो फॉर्म एक HTML का ऐसा कंटेनर है जिससे आप यूजर से अलग अलग तरह के इनपुट ले सकते हो, सीधी सी बात है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डेटा को एंटर करेंगे और वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन फिर से मैंने बताया जैसे वेबसाइट की अकल,
कहां पर? जावास्क्रिप्ट में लगाएंगे। और वी विल क्रिएट अ सिंपल फॉर्म, यहाँ पर भैया ये चैप्टर में यही करना है, फॉर्म ही बनाना है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ भी फैंसी सा नहीं करना है, सीधा सीधा हमें बस सिर्फ वेबसाइट की शक्ल बना के छोड़ देना है। आगे फॉर्म के चार एलिमेंट रहेंगे, एलिमेंट हमें ये कितने हैं और कौन से हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो टोटल चार एलिमेंट रहते हैं, कौन से? फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्ट एन ऑप्शन। तो ये चार एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। अब हम लोग हर एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फॉर्म का टैग, मतलब जो फॉर्म एलिमेंट जो खुद है। तो ये हम लोग एनक्लोज करते हैं नॉर्मल एचटीएमएल का, जैसे हम सिंटेक्स लिखते हैं वैसे ही हम लोग इस यहां पर भी लिख रहे हैं। इसके दो एट्रीब्यूट है, एक्शन एंड मेथड। एट्रीब्यूट मतलब क्या? तो देखो, अगर फॉर्म आपने बनाया हुआ है तो वो इंटरेक्टिव होना जरूरी है। फॉर्म तभी बोलेंगे जब वो इंटरेक्टिव रहेगा। तो उसके लिए दो चीजें जरूरी है, पहले तो डेटा को कहाँ भेजना है और दूसरा कैसे भेजना है। कहाँ भेजने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट वो डिफाइन करता है कि भैया कौन सी फाइल ओपन करनी है जब यूजर सबमिट बटन को क्लिक करे। सबमिट बटन कहां पर आएगा? इनपुट एलिमेंट में, ठीक है। और दूसरा है मेथड। मेथड है कि भैया एचटीटीपी मेथड हमें डिफाइन करनी है कि हमें डेटा को कैसे भेजना है, डेटा को किस तरह से भेजना है। उसके दो प्रकार रहते हैं, एक गेट, दूसरा पोस्ट। गेट होता है वो यूआरएल के एंड के साथ पूरा का पूरा अटैच कर देता है, हमारे सारे भी इनपुट एलिमेंट्स के नेम के साथ। सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेटा जो होता है वो यूआरएल के एंड पे जाता है, और क्योंकि अब ये यूआरएल के एंड पर है तो उसका एक डिफाइंड लेंथ होना चाहिए। तो इसलिए गेट मेथड में आपका डेटा का लेंथ रिस्ट्रिक्टेड होता है। पोस्ट पोस्ट मेथड जो होता है वो ऐसे ब्लॉक देता भेजता है सर्वर को, यहां पर यूआरएल के एंड पे कुछ अटैचमेंट नहीं होता है, तो इसलिए इसमें डेटा का लेंथ को भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, ठीक है। ये जो मैंने रेड वर्ड में लिखा हुआ है, ये एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन होता है और काफी सारी बार बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मेथड क्या रहता है? गेट रहता है। ये चीज हमें याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इनपुट एलिमेंट्स पर। इनपुट एलिमेंट क्या होता है? तो हम लोग नॉर्मल एचटीएमएल टैग की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली आलसी बना करके सिर्फ इनपुट को लिख कर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इसके हमें पढ़ने के लिए यहां पर तीन एट्रीब्यूट है, टाइप, नेम, वैल्यू। टाइप क्या करता है? इनपुट किस प्रकार का होगा वो डिफाइन करने के लिए। नेम, जो इनपुट आपने जिस प्रकार का बनाया उसको एक्सेस करने के लिए उसको कोई नाम देना पड़ेगा, है ना, तो वो नेम रहेगा। सिंपल सी बात है ना, अगर आपका दोस्त है, नेट से किसी को भी, आप किसी भी इंसान को बुलाना है, अरे भैया यहाँ पर आओ, कौन से भैया, ठीक है। अब अगर आपने बोल दिया अरे सुरेश यहाँ पर आ, तो आपने डिफाइन कर दिया कि भाई आप सुरेश को बुला रहे हो, तो वो इस तरह से बुलाने के लिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं नेम टैग, नेम एट्रीब्यूट में, ठीक है। और वैल्यू एट्रीब्यूट, जो अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको देनी है, जैसे कि नंबर है तो जीरो देना है, कोई टेक्स्ट है तो फिर वहां पर प्लीज एंटर टेक्स्ट हियर, ऐसा करके कुछ आपको डिफॉल्ट वैल्यू उसको देनी है तो, ठीक है, तो हम लोग वहां पर वैल्यू यूज करेंगे। अब छह प्रकार के इनपुट एलिमेंट रहते हैं, फिर से यहां पर बताऊंगा कितने हैं और कौन से हैं, ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। तो छह प्रकार के इनपुट एलिमेंट है, रेडियो, चेकबॉक्स, टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट एंड रिसेट। तो ये छह प्रकार के इनपुट एलिमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने सारे के सारे का इनपुट एलिमेंट का स्क्रीनशॉट, मतलब उसका फोटो और उसके डिस्क्रिप्शन, जो हमें पूरा का पूरा ये टेबल 1.1 दिया गया है यहाँ पर टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो ये हमने पूरा का मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियो बटन क्या होता है? एक रेडियो बटन बनाता है। रेडियो बटन क्या होता है? सर्कल से बटन होते हैं जहां पर आप जनरली एक सिंगल आइटम आपको सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। दूसरा रहता है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स मतलब आपको ऐसे टिक टिक बॉक्स वाले, ठीक है। तो ये चेकबॉक्स मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए होते हैं। रेडियो बटन सिंगल आइटम, चेकबॉक्स मल्टीपल आइटम। टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब कोई भी आप टेक्स्ट का वर्ड या फिर लेट्स से कोई वर्ड डालना है, नंबर डालना है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डालना है, जो भी डालना है तो टेक्स्ट में आएगा। पासवर्ड टेक्स्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन यहां पर आपको टेक्स्ट विजिबल नहीं रहेगा, पासवर्ड की तरह, ऐसे डॉट 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 की तरह या फिर स्टार स्टार स्टार, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो उस हिसाब से आपको दिखेगा। नेक्स्ट होता है सबमिट बटन। सबमिट बटन सबमिट बटन बनाने के लिए होता है, और ये क्या होता है कि फॉर्म इज सबमिटेड टू द फाइल स्पेसिफाइड इन द एक्शन एट्रीब्यूट। हमने यहां पर देखा था एक्शन एट्रीब्यूट में क्या होता है कि भैया जो फाइल खोलनी है सबमिट बटन को दबाने पर वहां पर जाना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रिसेट। रिसेट मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू है वहां पर हमें ये रिसेट का बटन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट क्या है? तो मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट को बनाने के लिए टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को यूज किया जाता है।
और उसको एनक्लोज कैसे किया जाता है, नॉर्मल एचटीएमएल सिंटेक्स की तरह ही यूज किया जाता है, ठीक है, उसको उसी तरह से करना है। अनलिमिटेड कैरेक्टर आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है, जितना भी आपको डालना है यूजेस। अब जहां पर भी आपको लंबा लंबा लिखना है वहां पर ये टेक्स्ट एरिया आप डाल सकते हो, जैसे कि एड्रेस लिखना है, कुछ कमेंट करना है किसी चीज के ऊपर, कोई रिपोर्ट लगाना है, किसी का चीज का डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट एरिया एलिमेंट में आ जाएगा। इसके एट्रीब्यूट्स यहां पर पढ़ने के लिए हमारे पास तीन है, रोज, कॉल्स एंड नेम। कॉल्स मतलब इनडायरेक्टली कॉलम्स होता है, जो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिखे तो कॉल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये रोज एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज बनाने के लिए, तो विदाउट स्क्रॉलिंग अगर हमें देखना है कि लेट्स से एड्रेस में मैक्स टू मैक्स 5 या 6 लाइन होती है, तो रोज कितनी, 6 लगा देंगे, तो 6 लाइन आपको बिना स्क्रॉल किए दिखने वाली है। कॉलम्स सेम चीज, नंबर ऑफ कॉलम्स दिखेंगे विदाउट स्क्रॉलिंग, ठीक है। कॉलम्स मतलब यहां पर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ लेटर्स, या फिर इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और नेम जैसे हमने इनपुट में देखा, कुछ इसको प्रॉपर नाउन जिसको एक्सेस करके हम लोग आगे प्रोसेसिंग कर सके, ये हम लोग डिफाइन करेंगे नेम में, ठीक है। नेक्स्ट होता है सिलेक्ट एन ऑप्शन एलिमेंट, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कुछ इस प्रकार, नॉर्मल एचटीएमएल की तरह ही है। सिलेक्ट जो होता है, ये जो चीज है वो ड्रॉपडाउन मेनू को बनाता है। सिलेक्ट ऑप्शन एक इनिशियलाइजेशन है जो ड्रॉपडाउन मेनू को डिफाइन करता है, और ऑप्शन हर एक चीज का ऑप्शन, मतलब इसमें जो भी ऑप्शन आपको देना है जो यूजर को सिलेक्ट कर सकता है, तो ये ऑप्शन इसमें बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाया जाता है, और यूजेस है ऑफरिंग द यूजर टू सिलेक्ट फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। कोई भी, लेट्स, अब देखो 4 लोग हैं, आपने चारों को एक सेम वर्ड लिखने को बोला, वडोदरा, लेट्स से, क्योंकि हम यहां पर हमने गुजरात को टारगेट किया है, तो यहां पर लेट्स से हमने लिया है वडोदरा। अब एक ने लिखा पूरा वडोदरा स्मॉल लेटर्स में, दूसरे ने लिखा पूरा वडोदरा कैपिटल लेटर्स में, और तीसरे ने लिखा वी कैपिटल, और जो हमने यहां पर जिस तरह से लिखा वी कैपिटल और बाकी का पूरा स्मॉल में, चौथे ने उल्टा किया वी छोटा लिखा और बाकी का पूरा कैपिटल में। और ये चारों चीजें एचटीएमएल को समझ नहीं आती कि भैया सेम चीज है, जब तक कि आप उस हिसाब से कन्वर्ट नहीं करते। तो जब तक, तो इसको, ये चीज को, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये सिलेक्ट एन ऑप्शन एलिमेंट को बनाते हैं कि भैया इसी में से सिलेक्ट करना है। अब देखो यहां पर आपने अगर इस तरह से लिखा तो भी जो भी लोग ये चीज एंटर करेंगे, जो भी लोग अपनी सिटी एंटर करेंगे उनको ये वडोदरा ही दिखने वाला, ये नॉर्मल वाला ही है ना, जो मैंने अभी सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर मतलब चीजों को लिमिट कर देता है कि भैया लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस में से आपको सिलेक्ट करना है। बहुत बढ़िया, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, हमने हमने बनाना है ये पूरा का पूरा हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पहले हम लोग टाइप करके बनाएंगे, नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे यही सेम चीज कंपोजर से। सिंपल सी बात है, इजी सा है, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूँ, साथ ही साथ में मैं खोल देता हूँ हमारा पीडीएफ, ठीक है, कि इनकेस अगर कुछ भी बीच में रह जाता है तो हम लोग उसको फॉलो अप कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक से बनाएंगे और फिर हम लोग इसको पूरा का पूरा पीडीएफ से कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो इसका करने का कारण ये रहेगा कि इनकेस कुछ भी बीच में रह जाता है तो मैं उसको कवर कर सकूं, ठीक है, सीधी सी बात है, ओके। तो मैं इसको ना खोल लेता हूँ, ओके, चलो छोड़ो, खैर बाद में, अभी कर, अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अब मेनली स्कूल्स में क्या होता है, दो ही एप्स यूज करते हैं, या तो नोटपैड या फिर साईटीई, जी एडिट, ऐसे सारे यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सबलाइन टेक्स्ट करके आईडीई है, लेकिन स्कूल मैं इसको कुछ भी ऐसे नोटपैड की तरह यूज करने वाला हूँ, इसमें कुछ भी मैं ज्यादा फैंसी सा नहीं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि भैया ये क्या कर रहे हैं, मैं इसमें कुछ भी फैंसी सा नहीं डालूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप फॉलो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम पूरी ब्लैंक फाइल से, ये मैंने फाइल क्रोम में खोल के रखी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं HTML का टैग से। अरे यार मेरे टाइपिंग में बहुत गड़बड़ होती है आजकल, हेड से हेड लिखते हैं और टाइटल लगा देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग हेड को बंद कर देते हैं, अब ऐड कर देते हैं बॉडी टैग को, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो भी हमारा ये पूरा फॉर्म है वो एक ऐसे सेंटर में पूरा का पूरा अलाइन है, आप देख सकते हो, है ना। तो ये हम लोग सेंटर में अलाइन कर देंगे पूरा। अब यहाँ से हमें एक टेबल टैग स्टार्ट करना है, उसके पहले मैं एक और टैग स्टार्ट करूंगा, फॉर्म का टैग, ठीक है। ये फॉर्म का टैग किस लिए, क्योंकि भैया बना क्या रहे हम लोग, फॉर्म बना रहे हैं, ये सारे इनपुट्स हमें आगे भेजने भी है ना। तो ये फॉर्म का टैग मैंने बना दिया है, ठीक है। अब यहां पर मैंने इसको ऐड कर देना है, ओके। अब फॉर्म में चलते हैं,
फॉर्म में हमने दो एट्रीब्यूट देखे थे, एक एक्शन, एक्शन ले लेंगे हम लोग, फाइल वन डॉट एच टी एम एल ही ले लेंगे, यहाँ पर ही वापस रिटर्न कराना है हमें। और मेथड रहेगी हमारी, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गेट मेथड से, फिर हम लोग पोस्ट पे भी आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं बॉडी और एच टी एम एल को बंद कर देता हूँ कि जिससे हमें थोड़ा पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते, टेबल रोज इनिशियलाइज करते, टेबल डेटा ले लेते, फर्स्ट कॉलम सेट कर देते। कुछ गड़बड़ गया, अच्छा ठीक है रुको। यहाँ पर हमें एक H1 टैग लगाना पड़ेगा जिसमें हम लोग डालेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग HTML एंड टेबल टैग। ये मैंने थोड़ा ऐड किया हुआ है, अच्छा ठीक है। खैर इसको ना हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइटल दे देते, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखते छोड़ देते, ठीक है। तो ये हमने टाइटल दे दिया और इसको हमने उड़ा दिया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग टेबल डेटा पे आ जाते, फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लेते, लिखते यहाँ पर फर्स्ट नेम सेमी कॉलन और इसको बंद कर देते। दूसरी कॉलम में हम लोग लिखेंगे एंड एन बी एस पी सेमी कॉलन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्या है। पहले लिख लेते पूरा का पूरा कि हमें क्या, हमने क्या क्या लिख करना है, ठीक है। टेबल ये थर्ड लिखेंगे, इनपुट टैग लगा देंगे, है ना। इनपुट टैग में सबसे पहले टाइप लिखेंगे, टाइप टाइप में आएगा टेक्स्ट, ऑफकोर्स नाम टेक्स्ट ही होता है, और नेम लिख देंगे एफ नेम, ठीक है। और यहाँ पर टेबल डेटा को क्लोज कर देंगे। अब मैं आपको टेबल बताता हूँ कि अभी के लिए कैसा बना हुआ है, सॉरी टेबल रो को क्लोज करना रहेगा, मैं वही सोचू कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है। तो टेबल रो को क्लोज कर दिया है, मैं आपको पूरा का पूरा पहले टेबल बताता हूँ कि क्या कैसे बना है, ठीक है। तो इसको करते हैं रिफ्रेश, देखो कुछ इस प्रकार हमें दिख रहा है। अब हमें इस ऐसा हमें नहीं चाहिए, है ना, ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक ऐड कर देते हैं विड्थ इक्वल टू 12%, ठीक है। ये हमें बुक में ही डायरेक्टली दिखता है, ठीक है, और विड्थ इक्वल टू 1%, ठीक है। अब वापस दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुआ। तो ये देखो अब थोड़ा सा ना, ये क्या हुआ था, पहले इन लोगों ने जो भी ये टेबल था उसमें तीन कॉलम एक इवनली स्पेस कॉलम्स थे, मतलब एक इस पूरे स्क्रीन को, ये पूरा जो स्क्रीन है उसको तीन पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया था जैसे मैंने टेबल का टैग इनिशियलाइज किया। अब मैंने क्या किया कि इसको 12% पे ही इसको बंद कर दिया, तो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पर ही अटक जाएगी, ठीक है। और सेकेंड कॉलम में एन बी एस पी, अब एन बी एस पी क्या होता है, देखो एन बी एस पी होता है नॉन ब्रेकेबल स्पेस या फिर नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। ये दो चीज होती है, नॉन ब्रेकेबल स्पेस या फिर नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह का कैरेक्टर ही है, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर सिर्फ स्पेस बार डालते ना तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए ये हमने इसको इस तरह से डाल दिया हुआ है, ठीक है। और ये टेबल डेटा को हमने एंटर बना दिया है। तो इसके साथ हमारा सबसे पहला पार्ट फर्स्ट नेम वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट नेम बना दिया, ओके। अब मैंने ये पूरा कैपिटल में लिखा है, अब ऐसा मत बोलना कि भैया ये सब क्यों है, जो आपकी मर्जी हो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके फॉन्ट थोड़ा चेंज करते हैं, मुझे थोड़ी इच्छा है, तो फॉन्ट लगा देंगे ऊपर, ठीक है, और ये इधर को क्लोज कर देंगे इधर आके, ठीक है। फॉन्ट्स में हम लोग डाल देंगे स्टाइल इक्वल टू, डाल देते हैं एरियल ब्लैक, एरियल ब्लैक, ठीक है। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि कैसा लग रहा है, हुआ नहीं क्या, ठीक है, इसको अभी हम लोग बाद में देखते हैं, लेट इट बी, लेट्स मूव ऑन राइट नाउ, ओके। तो इधर यहां पर ही कुछ कर पड़े, कैलिब्री डालते, कैलिब्री, ठीक है, देखते हैं इसको बाद में देखते हैं, लेट इट बी। हम लोग अब आगे बढ़ते मिडल नेम की तरफ जो सेकेंड लाइन है, ठीक है। तो हम लोग डाल देते हैं मिडल नेम और इधर आ जाता है एम नेम, ठीक है। तो देखते हैं वापस, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है और थोड़ा डिसेंट सा है, अच्छा है, ठीक है। एक और डाल देते हैं, लास्ट नेम का भी डालना पड़ेगा, है ना, लास्ट नेम, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं एल नेम, ठीक है। और इसको हमने सेव किया क्या, सेव किया है, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जाते टेबल रो पर फिर से। अब नेक्स्ट को आपको बताता हूँ कि क्या है नेक्स्ट। अब हमारा है जेंडर, जेंडर में ध्यान से देखो, रेडियो बटन है तो बस, तो रेडियो बटन लगाते, तो पहले लगा देंगे टीडी,
अब देखो, एक बार हमने ये TD को डिफाइन कर दिया ना, इसको इसकी अब जरूरत नहीं है हमें, ये विड्थ की जरूरत नहीं है, हमने एक बार इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया ना, तो अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों निकल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टेबल डेटा इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम रहेगा जेंडर। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, बस एक बार ये पूरा का पूरा लिख लेते हैं, मेल। ठीक है, और एक और इनपुट टाइप बनेगा, ठीक है, इनपुट्स, फिर टाइप इक्वल टू रेडियो और नेम इक्वल टू जेंडर फिर से। ठीक है, और ये टेबल डेटा यहाँ पर क्लोज हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा रीडेबिलिटी के लिए इसको इस हिसाब से लिख लेता हूँ। अब फिर से यहाँ पर लिखेंगे TD, जो हमने लेबल लगाना है। ठीक है, तो जेंडर इसको लिखेंगे और फिर दूसरे में लिख देंगे वापस NBSP। ठीक है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, देखो फीमेल लिखना रहेगा क्या? ठीक है, लेगा भाई, कोई बात नहीं, फीमेल, ओके। अब वो मत बोलना आयरन मैन, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो, यहां पर अब आपको क्या करना है, रेडियो बटन में हमारी क्या बात हुई थी, किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करना है। अब किसी एक चॉइस को सिलेक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला एट्रीब्यूट यहां पर, नेम के कारण क्या होता है कि ये दोनों में से कोई भी एक ही सिलेक्ट हो सकता है, मतलब दो की वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है दोनों में से। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने फीमेल को सिलेक्ट किया लेट से, तो अगर मैं मेल को सिलेक्ट करूँ तो फीमेल ऑटोमेटिकली डिसलेक्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे मेल पहले से ही सिलेक्टेड रखना है। ठीक है, उसके ऊपर पहले से ही आ जाना चाहिए डॉट, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर चेक। ठीक है, अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेल को सिलेक्ट होगा, अभी मैंने फीमेल सिलेक्ट किया है, रिफ्रेश करेंगे वापस बाय डिफॉल्ट मेल हो जाएगा, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मेल हो जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। /TR करके इसको खत्म करते हैं, TR लगाते हैं ना, TD लगाते। अब आगे का कॉलम देखते हैं, आगे का कॉलम क्या है, आगे है हॉबी, यहाँ पर चेक बॉक्सेस है। ठीक है, तो फिर से TD लगा लिख लेंगे हॉबी, है ना, और /TD, फिर लगा देंगे TD ampersand NBSP। ठीक है, और एक और लिख लेंगे जिसमें हम लोग ऐड करेंगे चेक बॉक्सेस। अब यहां पर मैं फिर से रीडेबिलिटी के लिए इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ कि जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो, और कुछ नहीं, बाकी इसको तो समझ आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स और नेम इक्वल टू, लेट्स से हमने पहले लिखनी है सिंगिंग। ठीक है, तो सिंग लिख लेते हैं, क्योंकि नाम से यहां पर नाम से क्या फर्क पड़ेगा जब हम लोग इसको आगे प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी कुछ लेना देना है नहीं, लिख लेते हैं आगे सिंगिंग। ठीक है, अब इसी को डुप्लीट इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट, रुको, कॉपी किया पेस्ट किया, अरे रुको क्या हो रहा है, पेस्ट किया, बहुत बढ़िया। इसमें लिख लेते हैं डांस जैसा हमारा है इसमें, और लास्ट में लिखते हैं रीड। ठीक है, इधर लिख लेते हैं डांसिंग और डिंगिंग, क्या लिखा, डांसिंग, और नीचे लिख देते हैं रीडिंग। ठीक है, और इसको एक बार ही रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, देखो ये चेकबॉक्स आ गए, मल्टीपल चॉइसेस सिलेक्ट करनी है और वो हो भी रहा है, तो चेकबॉक्सेज हमारे परफेक्ट है। अब मुझे फिर से ये सिंगिंग वाले को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, चेक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसको हम ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, देखो ये मैंने लेट्स से डांसिंग सिलेक्ट किया, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके सिंगिंग आ रहा है, बस यही हमें चाहिए था जीवन में, और वो हो चुका है। ठीक है, अब इसको टेबल रो को क्लोज करते हैं, दूसरी रो चालू करते हैं। अब इसमें आगे फिर से देखते हैं कि क्या बनाना है हमें। अब आगे हमें बनाना है एड्रेस का, देखो टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, TD लगा के एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, और एक /TD करके बंद कर देंगे, दूसरे पर फिर से NBSP लगा देंगे, है ना, और तीसरे पे फिर से TD स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया लिखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट एरिया हमने देखा था मल्टीलाइन इनपुट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अंदर लिख देंगे प्लीज एंटर योर एड्रेस। ठीक है, और यहां पर /TD। ठीक है, और इधर करके /TR कर देंगे। आपको अब बताता हूँ कि कैसा दिख रहा है, अभी आप देखोगे ना बहुत छोटा दिखेगा, देखो काफी छोटा दिख रहा है, और इसमें देखो काफी बड़ा सा है,
तो अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, याद है मैंने आपको दो एट्रीब्यूट बताए थे, रोज इक्वल टू हम लोग दे देते इसमें 5 दे देते, कोई बात नहीं, और कॉलम्स, कॉल्स, कॉल्स अभी बोलेंगे ठीक है, कॉलम्स तो नहीं बोल सकते, 70। अब देखना इसकी साइज कैसे रॉकेट की तरह बढ़ेगी, ये देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ठीक सा है। मैंने बताया था टेबल एरिया, सॉरी टेक्स्ट एरिया के बीच में जो भी हम लोग लिखेंगे वो टेक्स्ट एरिया खुद इसकी वैल्यू को ले लेगा, मतलब वो इस तरह से अंदर एंटर हो जाएगा अपने। तो हमने मैंने जैसे बताया प्लीज एंटर योर एड्रेस, तो वो एंटर होके आ चुका है ठीक है। ओके इसको पीछे की स्पेस को डिलीट कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आ गया ठीक है। ओके तो अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, एड्रेस का पार्ट हो चुका है, अब हम लोग लास्ट में ले लेते हैं सिटी को ठीक है। सिटी वाला लेते हैं, टी आर लगा देते हैं। अब यहां पर फिर से क्या आएगा, अब इस बार आएगा सिलेक्ट वाला, सिलेक्ट क्या था वो ड्रॉप डाउन वाला, याद था, याद आया ठीक है। अब ऑप्शन ले लेते, ऑप्शन क्या था वो ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस बनाने के। अब मैं यहां पर थोड़ा सा ना अपना कस्टमाइजेशन लगाऊंगा, प्लीज सिलेक्ट योर सिटी ठीक है, दूसरे ऑप्शंस बना देते फिर मैं आपको बताता हूँ कस्टमाइजेशन कहां पर लाना है, वडोदरा ठीक है। फिर इसी को डुप्लीकेट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं, अरे यार क्या चल रहा है, बहुत दुख है जी। ओके ये चार हमने सिटीज ले लेने, एक ले लेते हैं अहमदाबाद, दूसरा ले लेते राजकोट, लास्ट ले लेते सूरत ठीक है। अब देखो मैं यहां पर आपको बताता हूँ कि क्या क्या दिख रहा है हमें, ये क्यों ऐसा ऊपर, अच्छा टेबल रो को इनिशियलाइज नहीं किया क्या, अच्छा टेबल डेटा को इनिशियलाइज नहीं किया, सॉरी 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 ठीक है। ले लेते हैं सिटी और इसको बंद करते हैं, लिखते हैं टीडी एंड एनबीएसपी, बंद करते हैं टीडी ले लेते हैं, थर्ड वाले में ये आ जाएगा ठीक है, और ये स्लैश टीडी ठीक है, अब हो जाएगा ये, अब ये गलती होती है यार, ऐसा क्या करते हो ठीक है। तो ये प्लीज सिलेक्ट और सिटी हो चुका है, अब वडोदरा सिलेक्ट कर सके, अहमदाबाद जो भी सिलेक्ट करना है ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा कस्टमाइजेशन क्या ला रहा हूँ, इसको ना थोड़ा डिसेंट सा लिखते हैं तो देखने में अच्छा लगे, प्लीज सिलेक्ट योर सिटी, अब थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, बाकी बाकी कुछ डिफरेंस ज्यादा इसमें नहीं पड़ेगा ठीक है। ये हमने किया, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है प्लीज सिलेक्ट योर सिटी वाले में हम लोग डालेंगे सिलेक्टेड और दूसरा डालेंगे डिसेबल्ड ठीक है। सिलेक्टेड इसलिए क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू देनी है इसको ठीक है, और डिसेबल्ड इसलिए क्योंकि हमें किसी को ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करवाना है। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है कि आप उसके ऊपर क्लिक नहीं कर पाओगे बस, और इसमें कुछ दूसरा डिफरेंस नहीं है। आपको फिर से बताते हैं, ये देखो बाय डिफॉल्ट प्लीज सिलेक्ट योर सिटी ही है, अब यहां पर देखो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, अगर जैसे मैंने सिलेक्ट किया अहमदाबाद तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और अहमदाबाद सिलेक्ट हो जाएगा, अब ये हमसे सिलेक्ट नहीं होगा जो हमें चाहिए ठीक है। हमें किसी और से इस तरह का सिलेक्शन नहीं चाहिए कि भैया ये डालो ठीक है, तो ये हमें ये चार सिटी में से अभी के लिए ये चार सिटी में से हमें कोई भी एक डालनी है ठीक है। आप लोग कुछ भी और डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। तो इसके साथ टेबल रो को बंद करते हैं। ओके तो इसके साथ हमारा जो मेन ऊपर का पार्ट है ये सारा कंप्लीट होता है, लास्ट का जो बचता है वो अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। फिर से टेबल रो को इनिशियलाइज करेंगे, टीडी लिखेंगे, इसमें हम लोग लिख देंगे, अब यहाँ पर दो बार एनबीएसपी आएगा ठीक है। ओके तो इसका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ओके अब देखो यहाँ पर दो ब्लैंक कॉलम सेट हो गई है, थर्ड वाले ब्लैंक कॉलम में हम लोग फिर से जाएंगे, लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट, एंड अब यहां पर हम लोग तीसरा ऐड करेंगे वैल्यू। वैल्यू में अगर अगर आपको नहीं लिखना है कोई बात नहीं, बाय डिफॉल्ट सबमिट होके ही आता है, सबमिट लिख के ही आता है, लेकिन हम लोग अगर उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहते हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा एक इनपुट का बटन बना देते हैं रीसेट का ठीक है, तो हर बार हमें रिफ्रेश ना करना पड़े, नेम इक्वल टू रीसेट ठीक है, और वैल्यू इक्वल टू रीसेट, रीसेट फॉर्म ऐसा लिख देते हैं ठीक है। और इसको अब यहाँ पर टेबल डेटा को बंद करते हैं, टेबल रो को बंद करते हैं, टेबल तो शायद बंद ही है ना, हाँ बस ओके। तो ये पूरा का पूरा हमारा ये फॉर्म तैयार हो जाएगा, अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे दिखता है। तो ये रिफ्रेश कर दिया, अब सबमिट और रिसेट फॉर्म सेट हो गया, ये देखो। ओके अब यहाँ पर मैं ना क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत नाम लिख लेता हूँ, मेरे ही नाम से काम करते
है, देवांश इसमें मैंने डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देते हैं, हम डाल देते हैं, लास्ट नेम भी मु, ठीक है, पता नहीं, मैंने इसको ही उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। जेंडर मेल, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, तीनों तीन ले लेते, इसको भी मैं कुछ भी ले लेता हूँ। आपको जान के क्या मतलब, ठीक है, मैंने ये एड्रेस डाल दिया है, सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से सिटी मैंने सिलेक्ट कर दिया अहमदाबाद, इसको सबमिट किया। अब मैं हमने मेथड क्या लगाया था, ये देखो ध्यान से, मेथड क्या लगाया था हमने, गेट, तो क्या था गेट में, यूआरएल के एंड के ऊपर अटैच होगा, ये देखो एफ नेम, हम, वो, जेंडर ऑन, सिंगिंग ऑन, डांस ऑन, मतलब ऑन का मतलब क्या है कि भैया सिलेक्टेड है। अगर इसको ना हम लोग वैल्यू दे देते ना, एक वैल्यू करके फिर से आएगा 1 एंड 2, तो 1 को सिलेक्ट करके हम लोग इसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग भी आगे जाके कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट, इसको सबमिट कर दिया है, ठीक है, तो बस यही चीज है ना। ये ऐसे ब्लॉक दे दिया इसने अपने अपने सर्वर को, ठीक है, अपने फाइल को, तो इसका हमें यहां पर ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके, टेक्स्ट एरिया कहाँ गया, फिर से टेक्स्ट एरिया को ना हम लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं, नेम इक्वल टू एड्रेस, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, वापस फिर से भरते, 1 2 3, और आपको जान के क्या मतलब, ठीक है, इसको मैं फटाफट सिटी सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट करते हैं। अब हम लोग एड्रेस का देखते हैं कि देखो आ गया ना सिटी, आपको जान के क्या मतलब है, ठीक है। ओके, तो इसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म HTML के थ्रू बन जाता है। हम लोग इसको एक बार टेक्स्ट बुक से कवर करते हैं कि जिससे हमें पक्का हो जाए कि नहीं भाई कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर करने का ट्राई किया, लेकिन एक बार इसका कोड टेक्स्ट बुक से भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर ओपन हो जा रही है हमारी PDF, ठीक है, हो जा भाई, आज ही के दिन में हो जाना, हो गई। चलो इसको थोड़ा छोटा कर दे और आगे बढ़ते, ठीक है। यहां पर देख लेते, कुछ भी रिमूव नहीं हो जा रहा है। नेम इक्वल नेम दे देते, नेम देना ना देना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल रहेगा, सॉरी, ये ऑप्शनल रहेगा फॉर्म नेम के लिए, ठीक है। टेबल बॉर्डर, टेबल की बॉर्डर हमारे में आई भी नहीं है, तो इसलिए टेबल बॉर्डर की जरूरत नहीं है हमें, आप ऐड कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो NBSP लगाया हुआ है, NBSP जेंडर, NBSP रेडियो लगा दिया, चेक लगा दिया है हमने, चेक कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। हॉबी लगा दिया है, टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू टेक्स्ट एड्रेस, नेम हमने दे दिया था वहां पर, आप देख सकते हो, ठीक है। सिटी, NBSP सिलेक्ट, नेम नेम आपको लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पर, सिलेक्ट का नाम हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ गया ये, सिलेक्ट नेम इक्वल टू सिटी आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं करना है, इसलिए ये नेम क्या उतना जरूरी हमें यहाँ पर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये इनपुट और रिसेट हमने बना दिया, फॉर्म टेबल सेंटर को क्लोज कर दिया, फॉर्म और बॉडी डॉट HTML, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्म तैयार हो जाता है इसी के साथ, है ना, तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कंपोजर, तो जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा, हमने ये पूरा का पूरा फॉर्म बनाया था HTML के टैग से, ठीक है, पूरा का पूरा टाइप करके बनाया था, ओके। तो ये अब पैराग्राफ जो है, ये अपना जो यहाँ पर वो कोड दिया हुआ है पूरा HTML का, उसके नीचे ये छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, हल्की सी इसमें डेफिनेशन रहेगी, और ये फुल फॉर्म्स का थोड़ा रहेगा, और यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, ये जो ओपन सोर्स IDE का नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा समझा देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो क्या है कि ये HTML का टैग है, वो पूरा का पूरा टीडियस प्रोसेस है, हमने देखा बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, और ध्यान आप ये तो कह रहा था कि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर था, ठीक है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड IDE था, नोट पैड में करने बैठोगे आपका दम निकल जाएगा लिखते लिखते, राइट। तो ये HTML का टैग टाइप कर करके काम करना इज अ टीडियस प्रोसेस, काफी लंबा काम करता है, ठीक है, काफी लंबा टाइम जाता है। तो सिंपलर मेथड क्या है कि एक IDE यूज करें, ठीक है, एक ऐसी, अब IDE क्या होता है, तो कि एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो किसी और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, ठीक है, मतलब
सॉफ्टवेयर को बनाने वाली सॉफ्टवेयर सिंपल से भाषा में, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, कौन से लाइक पार्ट्स होते हैं? तो जीयूआई रहता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जो विंडो आप देखते हो, ठीक है, सीधी सी बात है, जो विंडो आप देखते हो, टेक्स्ट और कोड एडिटर, हम लोग देखेंगे सारी चीजें, ठीक है। एक रहेगा कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड डिबगर, ठीक है। तो ये नाम सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये चार नाम जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कौन से ओपन सोर्स आईडीई है, लेकिन एचटीएमएल के लिए, ठीक है। तो कंपोजर, इक्लिप्स, जे बिल्डर एंड नेटबीन्स, ये सारे ओपन सोर्स आईडीई है। अब हम लोग यहां पर से शुरू करेंगे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, कंपोजर। इसके पहले मैंने ये जो दो फुल फॉर्म्स अंडरलाइन किए वो थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे कि एटलीस्ट आपको आइडिया आना चाहिए कि भैया ये क्या बोल रहा था। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, कंपोजर। तो कंपोजर से इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कंपोजर क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेके बैठा हूं, इसको भी मैं थोड़ा सा अच्छे से हम लोग लिख के मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या जो लिखा हुआ है, वही जो लिखा हुआ है हमने टेक्स्ट बुक में, वही मैंने टाइप करके पूरा का पूरा बनाया हुआ है। ओके, कंपोजर क्या होता है? फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट आईडीई है, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप एनवायरमेंट, जैसे हमने पहले बात की, ये हम लोग डाउनलोड करते हैं इस वेबसाइट से। ये वेबसाइट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन ये वेबसाइट आज ऑपरेशनल नहीं है, ये वेबसाइट आज अब नहीं खुलती है, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरी जगह से डाउनलोड करेंगे, दूसरे बहुत सारी वेबसाइट है, सोर्स पोर्च करके और काफी सारी वेबसाइट है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। अब ये कौन सा टाइप का एडिटर है? ये फुल फॉर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, WYSIWYG, सिंपल, यही जो वर्ड है वही चीज इसमें लिखी हुई है। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट टाइप ऑफ एडिटर रहेगा ये। अब ये क्या इंटीग्रेट करता है? वेब पेज का डेवलपमेंट और वेब फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे हम लोग ये इसकी पूरी स्क्रीन देखेंगे ना, इसके कंपोनेंट्स और ये सारी चीजें, तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया क्या क्या है। देखो यहाँ पर, ये देखो साइट मैनेजर दिख रहा है, तो ये क्या वेब फाइल मैनेजमेंट का हो गया। ये पेज एरिया, पेज एरिया क्या करता है? देखो वेब पेज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए ये काम करेगा पेज एरिया। साइट मैनेजर मतलब आपकी सारी की सारी जो भी वेबसाइट की फाइल्स है ना, वो सारी यहाँ पर आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये है, और यूजर्स कैन एडिट सोर्स कोड, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक ये देखो, यहाँ पर सोर्स का आएगा, मैं जब आपको पूरी की पूरी विंडो बताऊंगा ना कंपोजर की, जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको ये सारी की सारी चीजें फिर से बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो इसके पार्ट्स, ये 10 पार्ट होते हैं इसके, जो जो यहाँ पर इसमें फिगर में लेबल जो है सारे वही मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। मेनू बार, कंपोजिशन टूल बार, फॉर्मेट टूल बार, 1 2, पेज टैब, रूलर्स, साइट मैनेजर, पेज एरिया, स्टेटस बार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना मैं आपको एक सीधी सी चीज बता, एक सिंपल सी बात बताऊंगा, ये सारे के सारे हम लोग पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। इसमें ना बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, बहुत छोटा छोटा लाइन रहता है इसमें, और इजी मजा आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार हम लोग यहाँ पर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट बुक का पार्ट। यहाँ पर मैंने बताया वेब पेज डेवलपमेंट, वेब फाइल मैनेजमेंट, क्रिएटिंग न्यू पेजेस इज क्विक एंड इजी, बहुत बढ़िया। यूजर कैन एडिट सोर्स कोड, ठीक है। तो अनकॉर्पोरेटेड साइट मैनेजर, रैपिड एक्सेस टू फाइल्स ऑन लोकल मशीन एंड रिमोट सर्वर, वेब पेज कैन बी अपलोडेड टू अ रिमोट सर्वर फ्रॉम विद इन। यहाँ पर ना एक आता है पब्लिश करके, ठीक है। तो पब्लिश करके जो आता है वहां पर ये लोग हम लोग अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज सिंपल सी बात है। अल्सो प्रपोजेस, अल्सो सपोर्ट सीएसएस, सीएसएस फिर से नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है, लिखा हुआ अभी। अब कंपोजर के इंटरफेस के बारे में जानेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले जानेंगे विंडो क्या थी, हमारे टाइटल वाले जो टॉपिक्स वाले था उसमें ही मैंने बताया था कि सबसे पहले एलिमेंट्स देखेंगे, है ना। तो कंपोजर ओपन, कंपोजर कंपोजर खोलना है, और इधर टूल बार निकालने हैं। तो जितने भी टूल बार्स है ना वो सारे ओपन करने के लिए व्यू में जाके शो और हाइड करके है, और उसके अंदर सारे के सारे ऑप्शंस जो रहेंगे वो सारे रहेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें टिक करनी है, कंपोजिशन टूल बार, फॉर्मेट टूल बार, और एडिट मोड टूल बार, स्टेटस बार, एक्सेट्रा, सारी चीजें आपको टिक कर देनी है, ठीक है। तो और ये सॉरी रुको, ये जो है ये फाइनल इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं सारे के सारे टूल बार्स क्या है, कौन से है, ठीक है। तो मैं आपको ये नो डाउट, ये हम लोग जब भी फिर से हम लोग कंपोजर ओपन करेंगे ना तब मैं ये आपको फिर से बताऊंगा कि कौन सी चीज कहां पर है। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टूल बार रहता है टॉप ऑफ द विंडो, कहां पर? यहां पर, ये देखो यहां पर जो है ये तीन, जो तीन चार लाइन दिख रही है ना हमें, ये जो चीजें हैं, ये आ गया वापस मेन्यू बार। मेन्यू बार में सिंपल सा जो भी हमें मेन ऑप्शंस लेने, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो मेन ऑप्शंस है वो यहाँ पर है। कंपोजिशन टूल बार,
कंपोजिशन टूल बार क्या करता है, देखो ये सारी चीजें, ओपनिंग अ फाइल, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, सेव फाइल, पब्लिश अ वेब पेज, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख भी जाएंगे कि भैया यही चीजें करनी है, ठीक है। सीएसएस लगा सकते हो, जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, फोटो इंसर्ट कर सकते हो, सारी चीजें, ठीक है। फिर फॉर्मेट टूल बार वन एंड फॉर्मेट टूल बार टू, ये क्या क्या करता है, फॉर्मेट टेक्स्ट एंड ऐड नंबर एंड बुलेट्स एंड नंबरिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये सारी चीजों के नाम और ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेट टूल बार में, अच्छा ठीक है, ये जूम इन हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीजें। अब फॉर्मेट टूल बार के ऑप्शंस को कैसे याद रखना है वो चीज मैं आपको जब हम लोग ओपन करेंगे ना तब मैं वहां पर बताऊंगा कि किस तरह से इसको ध्यान में रखना है। देखो फॉर्मेट टूल बार जो होता है, फॉर्मेट टूल बार वन, मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या है फॉर्मेट टूल बार वन जो है, रुको इसको जूम इन करते थोड़ा बहुत इधर से लेके, ओके। फॉर्मेट टूल बार वन जो है वो जनरलाइज, मतलब आपको इसका क्या चांसेस कि आपको सारे के सारे टेक्स्ट पर अप्लाई करना है, जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा, मतलब लेट्स से एक जनरल सिलेक्शन की तरह यूज करना है, जैसे कि हो गया फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, मतलब फॉन्ट टाइप, फॉन्ट कलर, इस हिसाब से, ठीक है। और दूसरा रहेगा जो फॉर्मेट टूल बार टू है, मतलब इंडिविजुअल फॉन्ट्स के लिए, मतलब इंडिविजुअल आपने जो भी वर्ड्स लिखे हैं ना उसके लिए फॉर्मेट टूल बार टू यूज किया जाता है, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, किसी एक सिंगुलर, किसी एक सिलेक्शन का फॉन्ट आपको छोटा बड़ा करना है, उसका अलाइनमेंट आपको चेंज करना है, तो फॉर्मेट टूल बार टू यूज करेंगे। फिर से बता देता हूँ, फॉर्मेट टूल बार वन एक जनरलाइज रहेगा जिसमें आप पूरा का पूरा नेट फॉन्ट भी आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। एक जनरलाइज टर्म्स रहते हैं जैसे कि आपको ऐड करना है, लेट्स से आपको वहां पर ऐड करना है इंडेंटेशन थोड़ा बहुत, ऐसी सारी चीजें। फॉर्मेट टूल बार टू एक इंडिविजुअल पार्ट को हमें एडिट करना है तब हम लोग फॉर्मेट टूल बार टू को यूज करेंगे। आप थोड़ा बहुत इसमें से अंदाजा लगा पाओगे कि हमें कैसे इसको डिसाइड करना है, फिर भी जब हम लोग कंपोजर खोलेंगे ऑब्वियस सी बात है मैं आपको वहां पर पूरा का पूरा बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो फॉर्मेट टूल बार वन एंड टू डिसाइड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं मिडल ऑफ द विंडो। मिडल ऑफ द विंडो हमने दो चीज मैंने आपको बताई थी, साइट मैनेजर एंड पेज पिन। साइट मैनेजर, फिर से मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे सारे फाइल्स जो आपके वेबसाइट के रहेंगे वो सारे वहां पर अप्लाई होते हैं, दूसरा होता है वो सारे वहां पर आपको दिखेंगे, दूसरा पार्ट आता है पेज पेन। पेज पेन मतलब जहां पर आप पूरा का पूरा वेब पेज डिजाइन करते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें तीन टैब रहते हैं, डिजाइन सोर्स, डिजाइन स्प्लिट सोर्स, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे क्लिक दिया लेकिन ऑर्डर को जिसाया जाता है, डिजाइन स्प्लिट सोर्स। डिजाइन टैब क्या होता है कि जो हमें ये मेन जो हम लोग देखते हैं ना ये फोटो में जो ये मेन है ये डिजाइन टैब है, ठीक है, ये डिजाइन टैब है। नेक्स्ट है स्प्लिट टैब। स्प्लिट टैब क्या होता है कि जो हमने पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट किया है ना उसका HTML कोड हमें बताता है, और सोर्स टैब पूरा का पूरा वेब पेज का HTML कोड बताता है। सिंपल से सिंपल सी बात है, इजी है, ओके। आगे बढ़ते हैं बॉटम ऑफ द विंडो, जो नीचे हमें यहां पर दिखेगा, कहां गए, यहां पर ये एरिया में, स्टेटस बार एंड एडिट मोड टूल बार, ठीक है। तो कहां गए, ये रहा स्टेटस बार, डिटेल्स ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट को हमें बताता है, ठीक है। और एडिट मोड टूल बार, एडिट मोड टूल बार क्या करता है तो के उसके तीन मोड रहते हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि उसके तीन प्रकार के व्यू मोड्स रहते हैं, प्रीव्यू, नॉर्मल, HTML टैग। बस तो यही बात है कि हम लोग यहाँ पर पूरा एक प्रीव्यू मोड, नाम से ही पता चलता है कि कैसे दिखेगा पेज, वही हमें बताना है, ठीक है। डिफरेंस ये देखो, ये लिखता है ऑफर्स पेज एज, ऑफर्स पेज व्यू एज सीन इन अ ब्राउजर, ब्राउजर में जैसे दिखेगा वैसा ही दिखेगा इसमें, ठीक है। डिफरेंस क्या रहता है, प्रीव्यू मोड में स्क्रिप्ट रन नहीं होती, मतलब जावास्क्रिप्ट रन नहीं होती, सीएसएस एचटीएमएल आपको दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल व्यू एकदम प्रीव्यू मोड की तरह ही काम करता है लेकिन इसमें टेबल की आउटलाइन थोड़ी बहुत दिखती है, ठीक है, ओके। इसमें डॉटेड लाइन की तरह इसको पूरा का पूरा एनक्लोज कर देते हैं ये लोग, ठीक है। एचटीएमएल टैग पूरा का पूरा एचटीएमएल का ही टैग रहता है, ठीक है, एचटीएमएल व्यू जैसे ही। हेल्प दोज हु आर फैमिलियर विद एचटीएमएल, येलो मार्कर इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट टैग ऑफ एन एलिमेंट, ओके। क्लिकिंग ऑन अ मार्कर सिलेक्ट्स एंड हाईलाइट द होल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ओके। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर से टेक्स्ट बुक की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, टेक्स्ट बुक दिख रहा है यहाँ, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर से जाते हैं पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 7, ठीक है, बस आ गए हैं यहाँ पर, पेज नंबर 8, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमने न्यू फाइल क्रिएट कर दी इन लोगों ने, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बेसिक सा फॉर्म इन लोगों ने जो बनाया है नेम और ईमेल का इनपुट करने के लिए, ज्यादा उसमें इन लोगों ने तामझाम नहीं किया है। नेक्स्ट जो रहेगा, फिर से हमने जो ये ऐसा बनाया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म,
रुको मैं पावर पॉइंट में बता देता हूँ आपको, किधर गया, इसको करते हैं बंद, ये आ गया पावर पॉइंट, ठीक है, और इसके साथ आगे बढ़ते, ये हम लोग इस तरह जैसे हमने फॉर्म बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा ही फॉर्म हमें वापस बनाना है। ओके तो आ जाते हैं वापस पीडीएफ पर, एक बार इसको पूरा देख लेते हैं अंदर से, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर ध्यान में रखने की बात है, ये जो भी पिंक वाले जो लाइन है ना, लेट से फाइल ओपन, तो कैसे ओपन करेंगे फाइल को, तो फाइल ओपन करके कर सकते हैं या फिर क्लिक ऑन द ओपन आइकन, ठीक है। तो ये सारी जो भी थोड़ी ग्राफिकल चीजें है ना, जैसे पिंक में लिखा हुआ है, थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में ऐसे की ऐसे पूछ लेता है कि आपको कोई रिसेंट ओपन रिसेंट फाइल ओपन करनी है तो कहाँ से ओपन करोगे, तो फाइल रिसेंट पेजेस से, ठीक है। फॉर्म को इंसर्ट करना है तो कहाँ से इंसर्ट करोगे, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म से इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये लोग कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है कि कहाँ से ये सारी चीजें हो सकती है ऑपरेट, ठीक है। तो पहले इन लोगों ने फॉर्म डिफाइन कर दिया, स्टार्ट कर दिया, फॉर्म को नाम दे दिया और उसका एक्शन यूआरएल ले दिया, उसका मेथड दे दिया, ठीक है। ओके अब आगे देखो, अब यहाँ पर ना एक लाइट ब्लू कलर की आउटलाइन बन जाती है, बनाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पर हम लोग इसी के थ्रू कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द फॉर्म एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैन बी प्लेस्ड इन दिस बॉक्स, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ते, व्यू इंसर्ट अ लेबल, ठीक है। एक लेबल इंसर्ट किया इन लोगों ने, नेम नेम करके एक लेबल इन लोगों ने इंसर्ट किया, ठीक है। टू कम आउट ऑफ द लेबल फील्ड क्लिक ऑन आउटसाइड द लेबल फील्ड, कैसे इंसर्ट किया, इंसर्ट फॉर्म डिफाइंड लेबल से, ओके। नेम नाम का लेबल इंसर्ट फॉर्म डिफाइंड लेबल से इन लोगों ने इंसर्ट किया हुआ है। अब आगे देखते हैं इंसर्ट नेक्स्ट, इन लोगों ने फॉर्म फील्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। नेम के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, तो फील्ड टाइप को हमने लगा दिया। अब इधर से फॉर्म फील्ड एंटर होता है, इंसर्ट फॉर्म फील्ड, और वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि फील्ड का टाइप क्या है, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट का फील्ड टाइप रहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर, चलना भाई, ठीक है। तो फॉर्म फील्ड हमने टेक्स्ट का टेक्स्ट टाइप का फॉर्म फील्ड हमने इंसर्ट कर दिया, फिर से इसका फील्ड नेम दे देंगे, इनिशियल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, फील्ड का नाम देना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम लोग आगे एक्सेस कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। ओके इधर हम लोग थोड़ा बहुत इनिशियल वैल्यू, इफ यू वॉन्ट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल वैल्यू में आप डाल सकते हो, अगर आपको कुछ इनिशियल टेक्स्ट बताना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते, सिमिलरली वी विल ऐड अनदर फॉर द ईमेल एज सीन इन द बिलो, ठीक है। ईमेल के लिए फिर से वैसा ही है, टेक्स्ट जैसा ही है, ठीक है। फाइनली वी विल ऐड अ सबमिट बटन, फिर से इंसर्ट फॉर्म फॉर्म फील्ड, और इसमें फील्ड टाइप को हम लोग सेट कर देंगे सबमिट बटन की तरह, ओके। और यहाँ पर सबमिट बटन बन जाएगा, ठीक है। फिर से टू हैव अ प्रीव्यू ऑफ योर फॉर्म क्लिक ऑन एडिट मोड टूल बार एंड सिलेक्ट प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ पर से प्रीव्यू सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है हमें कि यहाँ पर प्रीव्यू सिलेक्ट कर देंगे, और फिर HTML का सोर्स देखने के लिए वही जगह इस तरह से सोर्स को क्लिक कर देंगे, ठीक है। और सेव कर दिया फाइल को, फाइल सेव करते वक्त ये इंपॉर्टेंट है, क्लिक ऑन फाइल और सेव, अल्टरनेट कंट्रोल एस भी कर सकते हो, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। एक इसको फाइल नेम, ये इंपॉर्टेंट कि अगर आपने फाइल को पहली बार सेव कर रहे हो तब आपको ये पेज टाइटल नाम का बॉक्स आपको मिलेगा पहली बार सेव करने पर, ठीक है। पेज टाइटल विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर विंडोज टाइटल बार व्हेन सेव व्हेन व्यूड इन द ब्राउजर, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि पेज टाइटल कहां पर डिस्प्ले होना है, किसके ब्राउजर के टाइटल बार में डिस्प्ले होना है, ठीक है। ओके एक नया डायल ओके ठीक है, क्रिएट टाइटल भी ओके। जब भी हम लोग ना इसको मल्टीपल वेब पेज किसी वेबसाइट में हम लोग लिंक करते हैं ना, तब हम थर्ड चैप्टर में यही बनना है, यही करना है, एक पूरा का पूरा वेबसाइट बनाना है गुजरात टूरिज्म के ऊपर, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में फिर से आएगा, अगर जब भी आप मल्टीपल पेजेस बना रहे हो तो सबसे पहला पेज जो भी आपका होम पेज बनाना है उसको आपको नाम देना पड़ेगा index.html। index.html क्या होता है कि जब भी आप वो वेबसाइट को एक्सेस करते हो तब सबसे पहला पेज वही ओपन होता है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर आफ्टर क्लिकिंग ओके बटन न्यू डायलॉग बॉक्स, ठीक है, एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर से आपको पूरा का पूरा सेव पेजेस को सेव करना है, ठीक है। अब इसको फाइल को सेव कैसे करोगे, HTML या फिर HTML का एक्सटेंशन देके सेव करोगे, ठीक है, सेव कर दोगे, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा मेन जो हमने एग्जाम्पल हमें बनाना है, जो हमने एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से देखना था HTML का, सॉरी कंपोजर का, वो हमने यहाँ पर से बना दिया है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कंपोजर का प्रैक्टिकल, और ये चैप्टर का लास्ट पार्ट जहां पर हम लोग एक पूरा का पूरा मतलब वही जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर बनाया है ना हमने स्टार्टिंग में, यही वाला बस यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से बनाएंगे, ठीक है। अब ये वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ना जो हमने HTML से टाइप करके बनाया था उसमें एक चीज रह गई थी, मैं आपको यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट से मैं बता देता हूँ
आप उसको अपनी मेन फाइल में भी उस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जहां पर ना ये बॉडी टैग है ना, वहां पर एक छोटा सा चीज रह गया था, यहां पर हम ऐड कर देंगे बीजी कलर इक्वल टू लाइट ब्लू। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो हमने हमारा जो फोटो है, ये इमेज जो है जैसे इसमें है ना, वैसे ही यहाँ पर हमारा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पर ये एक छोटा सा एडिट रह गया था वहां पर करना, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंपोजर के फॉर्म पर, सेम ही फॉर्म बनाना है हमें यहाँ पर कंपोजर में भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंपोजर, आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, है ना। तो ये हमने कंपोजर स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में टिप आता है, छोड़ दो, क्लोज कर दो, ठीक है। इसमें मैं आपको फिर से, मैंने जैसे बताया था, ये सारे मेन्यूज आपको बताने वाला हूँ। तो ये रहेगा हमारा फाइल फाइल सॉरी मेनू बार, ठीक है। मेनू बार यहाँ पर ये सारी चीजें, फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टेबल टूल, सारी ये सारी चीजें हमें दिखेगी। नेक्स्ट है कंपोजिशन टूल बार। कंपोजिशन टूल बार क्या होता है, हमने देखा था न्यू ओपन सेव ये सारी चीजें के लिए यूज होता है। सॉरी, इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, सीएसएस इंसर्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2, ये दो चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। ये दोनों चीजें आपको ना, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला था, जैसे मैंने बताई थी, मैंने वहां पर भी बताई है, यहां पर मैं फिर से बताता हूँ। अब देखो यहां पर आप इसको, इस मेनू को ओपन करो, क्या लिखा हुआ है, बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ हेडिंग 1 2 3 4 5 6, ये तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक बड़ा सा मतलब मोटा मोटा आपको जो भी एडिटिंग करना है, लेट से आपको कोई नेट एक नेट से आपको एक स्टाइल इसको देनी है, परफेक्ट स्टाइल, तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक बनेगा, ठीक है। जेनरिक कंटेनर डिव और ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये एक नेट स्टाइल देने के लिए ये फॉर्मेट टूल बार 1 को यूज किया जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया, ठीक है। फिर ये देखो इंडेंटेशन है, नंबरिंग है, ठीक है, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब बोल्ड जैसा ही होता है, ठीक है। अब जब आपको कोई इंडिविजुअल किसी चीज को एडिट करना, लेट से आपने हेडिंग दिया है, तो हेडिंग का फॉन्ट टाइप, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, ये सारी चीजें आपको एडिट करनी है, तब आप फॉर्मेट टूल बार 2 को यूज करते हो। देखो यहाँ पर, ये देखो फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल्स दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर ये सारे अलग अलग स्टाइल है। ब्राउजर कंपैरेटिवली कम सपोर्ट करेगा, तो मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत चूज कर लिए हैं, मैं आपको जब भी हम लोग भरेंगे ना, तब तक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखो फॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड फोर का फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर, ठीक है। फिर ये कोई आई ड्रॉपर है, साइज छोटी बड़ी करने के लिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब समझते हैं, और ये अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं कि जिससे मैं आपको ये नीचे का जो ये स्टेटस बार है, ये व्यू मोड्स है, ये सारी चीजें मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो हम लोग वापस चलते हैं फॉर्म को डिफाइन करते हैं। फॉर्म को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक ये बटन है और एक ये इंसर्ट का बटन है। कैसे हम लोग करेंगे, देखो यहाँ पर ना आप पहले वेब पेज पर सिलेक्ट करो, ठीक है, ये आपका कर्सर आ जाना चाहिए। इसमें हम लोग टेक्स्ट साइज थोड़ी बड़ी रखते हैं, ठीक है। ये देखो मैं स्प्लिट का आपको बता देता हूँ, स्प्लिट जो होता है, मैंने बताया था एचटीएमएल का कोड दिखाता है कि जो भी पार्ट हमने सिलेक्ट किया है वहां पर का एचटीएमएल कोड बता देते, ठीक है। सोर्स पूरा का पूरा एचटीएमएल जितना भी है वो सारी चीजें हमें बता देते हैं, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें हमें ये सोर्स कोड सोर्स वाला बताता है। डिजाइन पर वापस चलते हैं, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर्म को। फॉर्म का नाम रहेगा रेग अंडरस्कोर फॉर्म, ठीक है, रैंक अंडर स्कोर फॉर्म लिखते लिखे देते हैं पूरा। एक्शन फॉर्म, एक्शन यूआरएल वापस हमें यहां पर ही लाना है, तो रेग फॉर्म डॉट एचटीएमएल लिख देते हैं यहां पर। मेथड, दो प्रकार की मेथड हमने देखी थी, कौन सी थी, गेट एंड पोस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहां पर, इन लोगों ने टेक्स्ट बुक के हिसाब से पोस्ट लिया, हम लोग पोस्ट ही लेते हैं। गेट मेथड मैंने आपको जब हमने एचटीएमएल वाला बताया था वहां पर मैंने बता दिया था कि पूरा का पूरा यूआरएल को ही ये लोग पूरा का पूरा भर देते किस तरह से, देखो जिस तरह से हम लोग इसको सेट करते हैं ना, इसी हिसाब से देखो ये एफ नेम देवांश, और इस तरह से जो भी हमने फील्ड में वैल्यू भरी होगी वो फील्ड की वैल्यू यहाँ पर इस तरह से आ जाती है, ठीक है। वापस चलते हैं कंपोजर पर, ओके करते हैं, यहाँ पर हमारा फॉर्म इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसमें टेक्स्ट में ले लेते हैं हेडिंग 2, क्या हुआ भाई, अच्छा ठीक है, पहले थोड़ा बहुत लिखते हैं हेडिंग देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम दे दिया है। अब इसको ना थोड़ा सा इसको करते हैं चेंज, इसको पहले ले लेते हैं सेंटर में, जस्टिफाइड ले ले सॉरी सेंटर में ले लेते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं हेडिंग नंबर 2। ये क्या हो रहा है भैया, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या दिक्कत है आपको जीवन में, ये क्यों चेंज नहीं कर रहा है। तो इसको पहले अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सेव कर देते हैं। सेव के लिए हम लोग नाम, मैंने बताया था जैसे भी कोई भी होम पेज होता है तब उसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम दिया जाता है, तो इसको हम लोग इंडेक्स ऐसे ही नाम दे देते हैं। ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है तो उसके अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब इसको ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है तो हम लोग इसको मैं बंद करके वापस खोलता हूँ, ठीक है, नहीं हो रहा है
तो मैं कंपोजर को बंद कर रहा हूँ, ये बंद किया, अब फिर से खोलते। ये सारी चीजें ना, अब थोड़ा बहुत ये लैग होता है जब भी, तो ये चीज कर लेने की। अब देखो, मैं हमने वहां पर बात की थी कंपोजर का, जब हम लोग इंट्रो ले लेते, कि अगर आपने थोड़ी देर पहले ही, मतलब लेट्स से अभी रिसेंट रिसेंट में ये सारी फाइल्स ओपन की, तो फाइल में जाके ये देखो, रिसेंट पेजेस में आपको अपनी फाइल दिख जाएगी, देखिए। और इसको वापस हम लोग ट्राई करते हैं हेडिंग नंबर 2 में, ये क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है चलो, कोई नहीं, अभी हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे करके अभी जाने देते हैं, इसको बोल्ड ले लेते हैं, और इसका हेडिंग 1 अभी लास्ट टाइम ट्राई किया, जाने दो। इसमें हम लोग ले लेते हैं हेडिंग में, हम लोग ले लेते हैं अल्जेरियन, ठीक है। अल्जेरियन बोल्ड में अच्छा नहीं लगता, इसको अंडरलाइन ले लेते हैं, इटालिक नहीं लेते। और इसका कलर थोड़ा अच्छा से रेड टाइप ले लेते, थोड़ा लाइट रेड, ठीक है। ये देखो, ये हमारा आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर मैं अब आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे इसको ओपन, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ये आपको यूआरएल पूरा का पूरा मिलता है, ये जो यूआरएल है ना, इसको कॉपी करो, ये लाइक, ये मैं थोड़ा एडवांस अलग चीज बता रहा हूँ, इसको पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखो, ये इंडेक्स फाइल हमारी खोल दी, ये हमारा ब्राउजर में दिख गया। ये सेम चीज आपको यहाँ पर भी दिख सकती है प्रीव्यू में, लेकिन मैं प्रीव्यू ज्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये देखो, ये साइज थोड़ी डिफरेंट आ रही है, 1627 हमारा जो ये विंडो, जो भी ये नॉर्मल कोई भी डिस्प्ले होता है उसका ये हॉरिजॉन्टल साइज होता है 1920 आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रीव्यू को प्रीफर नहीं कर रहा। नो डाउट आप इसको साइट मैनेजर को बंद करके इसको देख सकते हो, यह थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ये जो भी चीज मैच कर दी ना, वो मिल जाएगी, ठीक है। वापस चलते हैं नॉर्मल वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में लेते हैं, थोड़ा इंडेंट ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फॉर्म का डेफिनेशन। यहाँ पर हमने फॉर्म को डिफाइन करना शुरू कर दिया है, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे कहाँ गया, डिफाइन लेबल, लेबल इंसर्ट करेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, और लेबल और सेमी कॉलम दे देंगे इसके बाहर, और लेबल के बाहर जैसे क्लिक करोगे, ये आप लेबल के बाहर आ जाओगे, ठीक है। इसको ये CSS में आएगा, ठीक है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लेबल के बाहर आ गए हैं हम, ये यहाँ पर हम लोग डालेंगे 2-3 स्पेस, ठीक है। और अब हम लोग इंसर्ट करेंगे यहाँ पर एक फॉर्म फील्ड, जो टेक्स्ट टाइप करेगा, फील्ड का नाम क्या रहेगा, हमने जैसा वो HTML वाले में दिया था, अरे यार क्या हुआ, टेक्स्ट, और ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, आ गया, एफ नेम, रुको, विदाउट कैप्स लॉक लिखते, एफ नेम, फर्स्ट नेम जैसा हमने किया था, और ये आ गया है, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ब्राउजर में कैसा दिखता है। ब्राउजर में कुछ इस प्रकार दिखेगा, हमें थोड़ा बहुत ना यहाँ पर जगह चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एंटर 2-3 मार देते, तो थोड़ी बहुत जगह तो हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल आर करते हैं, ये हो गया एंटर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें इसी में आगे बढ़ते, ये दे दिया यहाँ पर, इसी को क्या करते, इसी को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी करोगे, कंट्रोल वी करोगे, सेम चीज वापस आ जाएगी। ये मुझे अब लेबल के अंदर जाना है, तो लेबल के अंदर आ चुके, यहां पर फिर से डिफाइन लेबल कर देते हैं, फॉर्म डिफाइन लेबल, मिडल नेम, अरे क्या प्रॉब्लम है, यही चीज, ये इसलिए मैं लेबल को डिफाइन नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, मिडल नेम सेमी कॉलन, और इसको एंटर। इसमें मुझे लेबल को डिफाइन करना ही, कंट्रोल से, अरे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करते। अब ये देखो बहुत चिपक क्या है, मैं अब इसमें क्या प्रीफर करूंगा, इसको पूरा निकाल देते। अब इसमें हम, इसमें मैं आपको जैसे बुक में दिया गया है, इसको इस हिसाब से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको यहाँ पर लाके आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मुझे ऐसे करना नहीं है, तो ये 2 एंटर लगा के भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो, ये थोड़ी बहुत जगह हो चुकी है, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ना यहाँ पर देखो, ये फोटो में क्या दिया, सारी की चीज, सारी चीजें एक लाइन में है, तो अब मुझे इस तरह से तो नहीं करना है, तो इसका दूसरा उपाय क्या है, इसको हटा दो, यहां से चाहिए ही नहीं, टेबल इंसर्ट करो 1x2 का, ठीक है, और इसको थोड़ा बहुत लंबा बड़ा कर दो, ठीक है, ये थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले ना सारे के सारे जो भी हमें लेबल्स लगाने हैं वो सारे हम लोग लिख देंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ऐसे फर्स्ट नेम करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये 3 डॉट आपको दिखेंगे, ये 3 डॉट, ये 3 डॉट का काम क्या है, ये मिडल वाला है ना, वो रो को डिलीट करता है, ठीक है, और ये ऊपर के जो ये दो एरो है, ये दो एरो, वो दोनों एरो क्या काम करते हैं, क्योंकि आइदर ऑफ द साइड आपको कुछ भी रो या फिर कॉलम, कॉलम के लिए यहाँ पर है, रो के लिए यहाँ पर है, तो रो एड हमें नीचे करनी है, तो ये हमने नीचे वाला एरो क्लिक किया, तो ये हमारा नीचे आ गया, ठीक है। लिखेंगे मिडल नेम, मिडल नेम, एंटर कर देंगे, ठीक है, हो गया,
और इसमें इसमें फिर से हम लोग रो को ऐड कर देंगे यहाँ से। अल्टरनेटिवली आप लोग यहाँ पर से भी क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर से इजी पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरा कर्सर इजीली जा पा रहा है। लास्ट नेम ऐड करते हैं, ठीक है। ये मैंने टेबल पे सिलेक्ट किया, इसमें ना मैं पैडिंग स्पेसिंग ये सारी चीजें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब और कौन सा है, जेंडर है, हॉबी है, ठीक है। तो जेंडर लगा देते, जेंडर लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हॉबी, हॉबी वाला कर देते, ठीक है, हॉबी लगा दिया। फिर नेक्स्ट लिख लेते एड्रेस रहेगा शायद नेक्स्ट वाला, हॉबी के बाद है एड्रेस, तो एड्रेस कर लेते, एड्रेस के बाद सिटी होगा। सॉरी यार, देखो यहाँ पर मैंने बीच का क्लिक कर दिया गलती से तो डिलीट हो गया, तो एड्रेस के बाद सिटी होना चाहिए, ठीक है, सिटी है, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया सिटी। और लास्ट में है सबमिट और रिसेट, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट की करो ऐड कर देता हूँ, ब्लैंक करो रहेगी, ठीक है, इस हिसाब से। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे के सारे लेबल्स को ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बीच का कॉलम है ना, यहाँ से पकड़ूंगा और इसको इस तरफ लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये मुझे इस तरफ को काफी सारी जगह मिल चुकी है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ, और यही जगह को भी मैं थोड़ा बहुत एक्सपांड कर लेता हूँ। इसको कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या बना हुआ है। कंट्रोल आर, ये देखो, अच्छा ये यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा इसको वापस साइट मैनेजर को ओपन कर देते कि जिससे हमें थोड़ा लाइन दिखे कि क्या 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 है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते, कंट्रोल एस करते और रिफ्रेश करते, ठीक है। तो ये अभी भी बाहर ही जा रहा है, और छोटा करते, कंट्रोल एस और रिफ्रेश, ठीक है, अभी भी ये जा तो बाहर ही रहा है। तो इसका हम लोग उपाय ये लाएंगे, ये जो इंडेंटेशन है ना, ये जो भी हमने इंडेंट किया हुआ है, इसको हटा देते हैं। सोर्स में जाएंगे, यहाँ पर ना, यहाँ पर दिखेगा टेक्स्ट अलाइन हाइट विड्थ मार्जिन लेफ्ट। ओके, ये जो मार्जिन लेफ्ट वाला है ना, इसको हटा देंगे यहाँ पर और कंट्रोल एस कर देंगे, तो ये लेफ्ट की मार्जिन हट गई। यहाँ पर आप, सॉरी, यहाँ पर आप फिर से देख सकते, ये पूरा का पूरा लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये से और अब इसको क्या कर देंगे, टेबल को अलाइन कर देंगे सेंटर में, टेबल को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में आ, ठीक है। तो ये टेबल सिलेक्ट हो जाए बस, उतनी बड़ा दिक्कत है। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिक्कत आ रही है टेबल को सिलेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सोर्स में जाएंगे, ये देखो सोर्स मतलब क्या, पूरा HTML का ही है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, सॉरी सेंटर लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टाइप कर दिया सेंटर, और ये टेबल का टैग जहां पर भी बंद हो रहा है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ले देते हैं इसको स्लैश सेंटर, ठीक है। तो ये देखो पूरा का पूरा टेबल सेंटर में आ चुका है ना। ओके, अब ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ ब्राउजर में क्या क्या दिख रहा है। ब्राउजर में कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब मैं दूसरा क्या करूंगा, आगे देखते हैं यहाँ पर कैसे इन लोगों ने अलाइन किया। यहाँ पर भी इस तरह से ही अलाइंड है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें टेबल में वापस जाते, इसको ना थोड़ा सा ऐसे इस तरफ लाते, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये टेबल में हम लोग जाते, टेबल की टेबल पे आप डबल क्लिक करोगे ना, जैसे वैसे ही कोई भी सेल पे डबल क्लिक करोगे तो आपको एक सेल का प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टीज करके ये देखो डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जहां पर आपका सेल्स वाला टैब खुला होगा। ध्यान रखना टेबल प्रॉपर्टीज में कितने टैब आते हैं, दो टैब आते हैं। टेबल वाले पे जाएंगे, यहाँ पर हम लोग बॉर्डर को जीरो कर देंगे, स्पेसिंग को हम लोग कर देते थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं, 5 पिक्सल कर देते, और पैडिंग को भी 5 पिक्सल कर देते, अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा ओपन हो जाएगा ये टेबल, और यहाँ पर अब देखते हैं जैसे आप में दिखेगा, ठीक है। तो ये टेबल का थोड़ा ओपन हो चुका है। अब मुझे ये फॉन्ट्स थोड़े अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इसको सारे के सारे फॉन्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने सेलेक्ट किया बॉडी, सॉरी वेरिएबल विड्थ में गए ये, और यहाँ पर ना एरियल नैरो बोल्ड कर देते, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा ठीक सा दिखना चाहिए, थोड़ा डिसेंट सा दिखना चाहिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा बन चुका है। वापस जाते हैं कंपोजर में, ये देखो नॉर्मल टाइप, ये प्रीव्यू में जाते हैं। प्रीव्यू में देखो जैसे हमने बात की कि प्रीव्यू में कोई भी टेबल की आउटलाइन नहीं दिखती है, हमने जैसे बात की थी। नॉर्मल में जाएंगे वापस से, आपको टेबल की पूरी आउटलाइन, ये जो रोज एंड कॉलम्स ये सारी चीजें वो आपको दिखने लग गई, ठीक है। फॉर्म में जाते हैं, फॉर्म फील्ड इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट का फील्ड नेम का रहे, फील्ड नेम रहेगा, अरे एफ नेम, ठीक है। ओके करते हैं, यहाँ पर ये इंसर्ट, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो चुका है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से हमें दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही सेम चीज को कॉपी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंट्रोल सी करो, नेक्स्ट रो में जाके कंट्रोल वी करो,
और बस सिर्फ ये एफ नेम जो है ना उसको एम नेम कर दो, ठीक है। यहां से ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट ऐसे हो सकता है, ये रिफ्रेश करेंगे आपको मिडल नेम के लिए को दिख जाएगा, ठीक है। ओके इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको भी यहां से आप हटा सकते हैं, ठीक है। ओके लास्ट नेम के लिए फिर से कॉपी करो, पेस्ट करो, अरे टेबल पूरा कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, यहां पर एम नेम को हटा के एल नेम कर सकते हो, कंट्रोल एस, और ये देखो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जेंडर में जाते हैं, जेंडर। अब यहां पर ना क्या होता है, ये रेडियो बटन जब भी आप डिफाइन करते हो ना, तब आपको एक एक करके ही रेडियो बटन डिफाइन करना रहेगा, ठीक है। तो पहले जाते हैं रेडियो बटन, डिफाइन फॉर्म फील्ड, यहां पर ना अब आप क्या करोगे, यहां पर जाके अब आप आर प्रेस करोगे, ऑटोमेटिक रेडियो बटन आ जाएगा। ये ग्रुप नेम जो है सेम होना चाहिए, हमने जैसे बात की थी, लिखते हो तो एचटीएमएल लिखते हो, ठीक है। तो जेंडर आ जाएगा, फील्ड की वैल्यू हम लोग यहां पर नहीं देंगे, ठीक है। तो आप दे भी सकते हो अगर आपको आगे जाके कहीं पर प्रोसेसिंग करना है, पीएचपी और वो सारी चीजें में यहां पर ये यूज हो सकता है, ठीक है। अब इनिशियली सिलेक्टेड हम लोग इसको यस कर देंगे, ठीक है। फील्ड वैल्यू को लेट से 1 दे ही देते, तो ये सिलेक्ट करने देगा, ठीक है। यहां पर देखो रेडियो बटन आ चुका है, हम लोग लिख देते हैं मेल, और यहाँ के बोल्ड को हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके भी बोल्ड को हम लोग, इस यहाँ पर चीजों के बोल्ड में हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़े से स्पेसेस देंगे और फिर इसी चीज को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे, खुल जाए तो अच्छा है, यहाँ पर वरना फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज में आप करके भी कर सकते हो, ये खुल जाना चाहिए, बस क्या प्रॉब्लम है इसको पता नहीं, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा कि इसको इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा। फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म फील्ड में जाएंगे, रेडियो लिख देंगे, ग्रुप नेम रहेगा फिर से जेंडर, तो भी सेम सिलेक्ट होगा, फील्ड वैल्यू होगी 2, इनिशियली सिलेक्टेड बंद रखेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये चीज का दिक्कत यही है कि इसको डिलीट करिए, इसको हमें ये रेडियो बटन में इसका प्रॉब्लम ही यही है कि नहीं हो पाता है कई बार। जेंडर दे देंगे 1 दे देंगे, सॉरी 1 दे देंगे, इनिशियली सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग लिख देंगे फीमेल, ठीक है, फीमेल, इसका भी बोल्ड हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और यहां पर रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा जेंडर वाला फिर से हो चुका है रेडियो बटन। फिर से हॉबीज में 3 चेकबॉक्स बनाने, ठीक है। तो फॉर्म फील्ड डालेंगे, चेकबॉक्स सीध क्लिक, सीध दबाओगे अपने कीबोर्ड पे, अपने आप चेकबॉक्स हो जाएगा। फील्ड नेम रहेगा सिंग, फील्ड वैल्यू जरूरत नहीं है, इसको बस सिर्फ इनिशियली चेक करने की जरूरत है, ठीक है। ओके किया, यहां पर हमने लिख दिया सिंगिंग, ठीक है। इसमें फिर से बोल्ड को बंद कर देंगे, ठीक है, स्पेस दे देंगे थोड़ी बहुत, यहां पर हम लोग वापस ले लेते हैं फॉर्म, फॉर्म फील्ड। अपेरेंटली यहां पर आप लोग ना एक्स्ट्रा रोज एंड कॉलम्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर चेकबॉक्स हो जाएगा, चेकबॉक्स, फील्ड नेम रहेगा डांस, फील्ड वैल्यू रहेगी 2, देना हो तो इसमें ऑप्शनली है, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं और फील्ड नेम नहीं देते, सॉरी वैल्यू नहीं देते, डांस लिख देते हैं। इसका ना बोल्ड हम लोग एक साथ ही खत्म करेंगे, ठीक है, बोल्ड एक साथ ही बंद कर देंगे, और एक और फॉर्म फील्ड को एंटर करेंगे, यहां पर चेकबॉक्स कर देंगे, फील्ड नेम रहेगा रीड, ठीक है, फील्ड वैल्यू की जरूरत नहीं है, यहां पर हम लोग लिख देंगे रीड, डांसिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि सिंगिंग लिखा है हमने, और इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करके हम लोग इसका बोल्ड बंद कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, यहां पर मैं बता देता हूँ कैसे दिख रहा है, कुछ इस प्रकार दिख रहा है, ठीक है, दिख रहे हो आप, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये जो नॉर्मल पर चला जाता है, ठीक है, वापस एड्रेस, ठीक है। अब मुझे ना थोड़ा सा ऐसे फील आ रहा है अभी भी कि टेबल में ये पैडिंग जो है वो मुझे थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, 8 कर देते, स्पेसिंग तो बराबर है, ओके। अब मैं इसको थोड़ा, मुझे ना इधर थोड़ी सी जगह चाहिए, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हल्की सी जगह हो चुकी है, बस मुझे ऐसे ही चाहिए। आपको, आप कस्टमाइज कर सकते हो यार, क्योंकि प्रैक्टिकल में ना जो चीज हमें चाहिए, प्रैक्टिकल में ये लोग क्या देखेंगे, जब जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा स्कूल का, वो क्या देखेंगे, तो वो देखेंगे कि भैया ये आपका रेडियो बटन सिंगल एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, चेकबॉक्स इस तरह से सिलेक्ट होने चाहिए, और यहां पर सबमिट और रिसेट बटन प्रॉपरली काम होने चाहिए। सबमिट और रिसेट बटन को प्रॉपरली वर्क होने के लिए क्या जरूरी है कि पूरा का पूरा फॉर्म एक डिक्लेयर होना जरूरी है, ठीक है। इसको स्किप कर देता है, ठीक, पूरा का पूरा क्या जरूरी है, पूरा का पूरा फॉर्म आपका डिक्लेयर होना जरूरी है, ठीक है। एड्रेस में फॉर्म में चले जाते हैं, यहां पर ना अभी देखो, यहां पर फॉर्म फील्ड इंसर्ट नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट एरिया। फील्ड नेम पूछेगा, हम लोग लिख देंगे एड्रेस, रोज रहेगी 5, जिसे हमने वहां पर डिफाइन किया था, अरे यहां पर रोज रहेगी 5,
ठीक है, टैब करके भी आप, टैब की को प्रेस करके भी आप यहां से चेंज कर सकते हो। कॉलम्स रहेगी 70 जो हमने वहां पर देखी थी वैसे ही। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे यहां पर, मैं फिर से आपको ब्राउजर में बता देता हूं क्या कैसे दिख रहा है, कुछ इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ना ये एड्रेस की चीज को हम लोग थोड़ा सा सेट करते हैं। टेक्स्ट अलाइन कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, बैकग्राउंड कलर की जरूरत नहीं है। वर्टिकल जो है ना उसको मिडल कर दो, इसको लेफ्ट रखो। ठीक है, अप्लाई करो, ये देखो सेंटर में आ चुका है, देखिए दिख रहे हो, ये चीज हमारी हो चुकी है जो हमें चाहिए थी। देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा बीच में आ गया है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर नीचे दिया हुआ, तो आप लोग इसको बॉटम भी कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोग क्या है कि इसमें डिफरेंस क्या है हमारे इनमें, हमने टेबल को यूज किया, इन लोगों ने टेबल को यूज नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों ने ये पूरी चीजें ऑलमोस्ट अलाइनमेंट में बनाई हुई है। यहाँ पर ये देखो हल्की सी अलाइनमेंट में डिफरेंस आ रहा है जो हमने नहीं आ रहा है, हमें हमारे बारे में ये देखो सारी चीजें एकदम पर्टिकुलर अलाइनमेंट में ही आ रही है। ओके, तो बस यही डिफरेंस रहेगा। टेबल के बिना भी ये चीज पूरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रीफर टेबल को करूंगा। आपके क्वेश्चन में या फिर आपके इन्वेजिलेटर को आप परफेक्टली पूछ लेना कि सर इसको टेबल से बनाए या ना बनाए। टेबल से बनाने को हाँ बोलते हैं तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्म में जाएंगे फिर से। अब यहाँ पर देखो सिटी में हमें कौन सा करना है, देखो सिलेक्ट एन ऑप्शन वाला करना है। ठीक है, तो फॉर्म फील्ड में जाएंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट वाला है क्या? ठीक है, तो कोई बात नहीं, कुछ और कहीं और से हो जाएगा। डिफाइन बटन, ये सॉरी सिलेक्शन लिस्ट हो गया, लिस्ट का नाम रहेगा सिटी लिख देंगे, सिटी लिख देंगे। मल्टीपल सिलेक्शन बंद रहेगा, डिसेबल्ड नहीं रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर कर देंगे एड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सिटी के, देखो यहाँ पर सिटी के नीचे इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको सेंटर में लेके आता हूँ। ये देखो सिटी के नीचे ना हल्का सा हम एक एल जैसा डॉटेड लाइन में दिख रहा है, जो चीज हमें यहाँ पर से चाहिए, मतलब उसके नीचे उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो टेक्स्ट ले लेंगे सबसे पहला, प्लीज सिलेक्ट योर सिटी। अगेन ये क्या रहेगा, इनिशियली सिलेक्टेड एंड डिसेबल्ड, ये दोनों चीज रहेगा। एड ऑप्शन करेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे वडोदरा, जैसे हमने वहां पर ऐड किया था वैसे ही कर देंगे। एड ऑप्शन कर देंगे, यहां पर लिख देंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, एड ऑप्शन कर देंगे राजकोट, एड ऑप्शन कर देंगे सूरत। मेजर सिटीज का नाम ले रहा हूं तो भैया कोई मुझे नो हेट्रेड टू एनी सिटी है ना भाई, तो इसको कंट्रोल एस करते हैं। इसको मैं प्रीव्यू में आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये प्रीव्यू में वापस मैंने जैसे बोला कि आपको थोड़ा जैसा बेसिक सा दिखना है ना वैसे ही दिखेगा, इसमें कुछ ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर हम लोग इसी में से देखेंगे। ये प्लीज सिलेक्ट योर सिटी, ये डिसेबल्ड आया, और ये अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे, वापस से नॉर्मल जैसा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब दो बटन हमें ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा ना, टेबल इंसर्ट में जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा सेल आफ्टर में। ठीक है, इसको मर्ज कर सकते हैं क्या, ये और ये दो सेल को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज सेल होना चाहिए कहीं पर, तो मर्ज सेल करके मतलब तो वही का वही होना है, कंट्रोल सेल। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मर्ज करना है मुझे एक्चुअली, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं कहीं से क्या, स्टेबल डिलीट जॉइंट सिलेक्टेड सेल। ठीक है, हो गया, इसको एक लाइन डिलीट कर दे। यहां पर मुझे क्या करना है, इसको कर देंगे जस्टिफाई। फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म फील्ड में जाएंगे, सबमिट बटन बनाएंगे, फील्ड का नाम रहेगा सबमिट और इधर रहेगा सबमिट फॉर्म। ठीक है, ओके कर देंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, होम नहीं हुआ, अरे यार इसको सिलेक्ट करते हैं, ये बटन को मैंने सेंटर में ला देते। ठीक है, क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर हमें रिसेट बटन बनाना है ना, तो ये थोड़ा सा सेंटर में अलाइन रहेगा तो अच्छा दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पर दो बार आर दबाओगे रीसेट बटन बन जाएगा। ठीक है, रीसेट लिख देंगे, फील्ड वैल्यू आ जाएगी रीसेट फॉर्म। ओके, ओके करेंगे, और ये रीसेट फॉर्म का भी बटन बन चुका है, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये दो बटन हमारे बन चुके हैं। अच्छा ठीक है, डिफरेंस क्या है, हमने इस फॉर्म के एक्शन में क्या दिया था याद है, फॉर्म के एक्शन में हमें एक चीज दी थी रेग फॉर्म डॉट एच टी एम एल, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कि जिससे वो हमें एरर अभी दिखी थी ना कि फाइल कुडंट बी एक्सेस, बस ये एरर हमें वापस ना दिखे। रिफ्रेश करेंगे, सबमिट फॉर्म वापस यहाँ पर लेकर आना चाहिए, और ये रिसेट कर देगा। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग ये पूरा का फॉर्म एक बार मैं भरता हूँ। ठीक है,
यहाँ पर मैं वापस अपना नाम लिखता हूँ, मिडल नेम हम लिख देते हैं, इधर मो लिख देते हैं जैसे हमने पहले किया था, इधर तीनों तीन सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं आपको जान के क्या सब, और सिटी में अहमदाबाद सिलेक्ट कर देते हैं, सबमिट फॉर्म करते हैं। देखो पोस्ट में यूआरएल के बाद कुछ नहीं आया, मेथड हमने याद है क्या दी थी, मेथड हमने दी थी पोस्ट, तो पोस्ट में यूआरएल के बाद कुछ नहीं आया। सेम चीज अब यहाँ पर मैं फिर से भर देता हूँ यही चीज, ठीक है, हम वो कुछ भी भर देते हैं, रीडिंग ले लेते हैं आपको जान के, इसको मतलब क्या करता हूँ कॉपी करके रखता हूँ क्या मतलब, और यहाँ पर मैंने फिर से अहमदाबाद सेलेक्ट, इसको कॉपी करके रख दी, ठीक है, तो मैं आपको बता भर के बता भी सकूँ, ठीक है। रिसेट फॉर्म करेंगे, ये सारी चीजें रिसेट बटन आपकी फिर से काम करनी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म का फॉर्म करके टैग डिफाइन करना, क्योंकि ये जब आप बनाओगे ना ये वाला जब HTML टैग लिख के, तब शायद अगर आपने फॉर्म का टैग इनिशियलाइज नहीं किया है, फॉर्म का टैग डिक्लेयर नहीं किया है बाय चांस, तो ये रिसेट बटन आपका काम नहीं करेगा। यहां पर तो कहेंगे आपको जबरदस्ती ये सारी चीजें के लिए फॉर्म आपको इंसर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। यहां पर आप टेक्स्ट एरिया देख सकते हो कि ये टेक्स्ट एरिया के कारण ये मोबिलिटी पूरी मिलती है, इसको आप पूरा का पूरा इसको साइज चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे, हाँ कंटिन्यू भाई, तो वो अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज में बचती है, व्यू में जाते हैं, रुको, लास्ट चीज हमारी क्या बचती है, वापस चलते हैं इसमें, इन लोगों ने नहीं किया लेकिन इन यहां पर इन लोगों ने किया है, जो चीज हम लोग यहां पर भूल गए थे क्या है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो इधर एडिट में जाएंगे, एडिट में रुको, फॉर्मेट में जाएंगे और यहां पर आ जाते हैं पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड, पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड में बैकग्राउंड का कलर हम लोग दे देते हैं, ये पेज कलर में क्या दिक्कत है, एडवांस एडिट नहीं, रुको ये चीज क्यों ऐसा कर रही है, टेबल टेबल फॉर्मेट पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड, यूज कस्टम कलर्स, बैकग्राउंड में ले लेंगे हम लोग लाइट, हल्का सा थोड़ा सा ना अच्छा ब्लू लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे और कुछ नहीं, ओके करेंगे, ओके करेंगे और ये बन चुका है। अब ये जो चीज है ना, ये चीज हमें नहीं अच्छी लग रही, तो इसको थोड़ा सा ना हम लोग कलर को चेंज करते हैं, ले लेते हैं हम लोग थोड़ा, लेट्स से आप कोई भी कलर ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये थोड़ा मैच कर जा रहा है पीछे के साथ, तो इसलिए दिख नहीं रहा ठीक से, ब्लैक ही रखते है ना। इसका फॉन्ट का टाइप थोड़ा चेंज करते हैं, ले लेते हैं एरियल ब्लैक, एक लाइन डिलीट करते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाए, इसको अब रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करो भाई, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो ये चीज हमारी यहां पर कंपोजर एज अ प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं हमारे पास यहां पर देखो, यहां पर हम लोग एक बार यहां से कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो इंसर्ट अ न्यू फाइल बना दी, यहां पर हम लोग फटाफट से कवर अप करते हैं, ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कहां से कहां क्या एक्सेस करना है, ठीक है, क्लिक ऑन फॉर्म, फॉर्म फील्ड टाइप रेडियो बटन, ठीक है, रेडियो बटन ले लिया, इंसर्ट अ लेबल सिमिलरली क्रिएट फ्रीमेल, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नया नहीं होना चाहिए, फॉर्म फील्ड किया, इनिशियली सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओके बटन, ठीक है, ये इनिशियली चेक वाला है, ठीक है, आगे 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 धड़ाधड़ चलते हैं, यहाँ पर देखो 570 फिर से इन लोगों ने यही एंटर किया हुआ है, ठीक है, ये इन लोगों ने ऑप्शन एड कर दिए, यहाँ पर फिर से मैंने थोड़ा सा कस्टमाइजेशन अपना डाला है, वही की प्लीज सिलेक्ट योर सिटी वाले को डिसेबल करके एड किया है, और ज्यादा कस्टमाइजेशन है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हो इन लोगों ने नहीं किया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, तो ये मैंने थोड़ा सा अपना डाला है, ओके, ये आ गया अपना, नीचे 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 नीचे, सेव द फाइल नेम विद एग्जांपल टू, इंसर्ट फाइल नेम, फॉर्मेट पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड, ये देखो यूज कस्टम कलर करके यहाँ पर इन लोगों ने बैकग्राउंड कर दिया है, ठीक है, ओके, अब यूज कस्टम कलर करके इन लोगों ने बैकग्राउंड डाल दिया, बैकग्राउंड डाल के यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का थियरी और प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, मैंने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज और ये MCQs, ये सारी चीजों का मैंने बनाया हुआ है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मैं जब आपको डिस्कस करूंगा ना, तब आपको मैं आपके बीच बीच में दिखा दूंगा कि हमने जो पावर पॉइंट डिस्कस किया है वही सेम चीज यहां पर चल रही है, क्योंकि मैंने यार देखो यही पूरी बुक पढ़ी है, यही पूरी बुक से मैंने मटेरियल बनाया, ठीक है, अब ये चीज को अगर मैं कहीं से भी घुमा के भी आपको पूछूं
तो भी आपको मिलेगा तो यहीं से ही, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी लाइनें मैंने वहीं पर लिखी हुई है। तो मैं आपको बीच बीच में बता भी दूंगा, मैंने यहाँ से ही स्लाइड भी वहां पर डाल दी है कि हमें दिखेगा, आपको दिखेगा कि नहीं यार जो मैंने लिखा हुआ है ना यार वही है, वही एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरी चीज कंप्लीट होती है, ठीक है। लेबोरेटरी एक्सरसाइज मैं आपके लिए रखता हूँ, ठीक है। लेबोरेटरी एक्सरसाइज मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि क्या क्या बना सकते हो, ठीक है, बट आप ये ट्राई करो खुद से, कहीं पर भी आपको कमेंट्स में बताओ, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।